me close to you. Never let me go. यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो सफलता का अनुसरण या पीछे ना भागे, परंतु एक मूल्य व्यक्ति बनने की कोशिश करे। जैसे हीरा। फिर से, यदि आप सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो सफलता का पीछे ना भागे, परंतु अपने आप को बहुमूल्य व्यक्ति बनाए। जैसे औजार। दूसरे शब्दों में, अपने आप को ऐसे बहुमूल्य बनाएं कि लोग आपके लिए मूल्य को चुकाएंगे। अपने आप को मूल्यवान बनाएं कि लोग आपके लिए पैसे को चुकाएंगे। ये वह है जैसे हम करते हैं सोना के साथ, चांदी के साथ, ईंधन के साथ और पानी के साथ। हमारा समाज ने इन सारे चीजों की मूल्य इतना बढ़ाया है कि ये सारे चीजों को प्राप्त करने के लिए हम पैसे चुकाते हैं, मूल्य को चुकाना पड़ता है, क्योंकि हम इन्हें बहुमूल्य बनाते हैं। दूसरे शब्दों में, अपने आप को जैसे सोना की तरह बनाएं। दूसरे शब्दों में, अपने जीवन में ऐसे कौशल का विकास करें जिससे परफॉर्म करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए लोगों को मूल्य को चुकाना पड़ता है, पैसे दिया जाता है उन्हें प्रदर्शन करने के लिए। लेस ब्राउन और मैं आपस में बातचीत कर रहे थे। हम दोनों पिछले 10 साल से आपस में घनिष्ठ मित्र हैं। हम लोग साथ में कहीं पर सम्मेलन कर रहे थे, तब मैं उन्हें इस विषय पर बात कर रहा था कि एक कंपनी में मुझे इनविटेशन मिला है, निमंत्रण मिला है कि वहां पर जाकर बात करो, तो मैं उनसे कितना फीस ले लूं बात करने के, सम्मेलन का कर क्या होगा फीस। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि इसका मूल्य क्या होगा, आप क्या सोचते हैं। मैंने कहा, मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ अभी शुरुआत किया हूँ खास एरिया में। इस बिजनेस में शायद 4 से 5 हज़ार रुपये ले सकता हूँ। तब उसने मुझसे कहा, क्या तुम इतनी ही सोचते हो कि तुम काम करते हो। मैंने कहा, सिर्फ एक और आधा घंटा तक बात करना है उस सम्मेलन में। उसने मुझसे कहा, क्या तुम इतने ही काम करते हैं। फिर उसने मुझसे कहा कि मैं 25,000 डॉलर लूँगा मैं इस सभा में बात करने के लिए, लेकिन तुम मुझसे बेहतर हो, तुम मुझसे बेहतर काम कर सकते हो। और इस विषय में वो गंभीर था। तब हमने इस विषय पर, इस सम्मेलन के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया। 25,000 डॉलर में हमने हाथ मिला लिया, बात कर लिए और उसके साथ जाकर उस सभा में बात किया। इसलिए अपने आप को एक बहुमूल्य व्यक्ति बनाओ। मुझे दूसरा उदाहरण देने दीजिए कि ये किस प्रकार कार्य करता है। यदि किसी को किसी विषय पर सोचना होता तो वो आपके बारे में विचार करता कि ये कैसा होगा कि अगर हम इसको याद करें तो। यदि आपके बारे में वो नहीं सोचता है तो इसका मतलब यह है कि आप बहुमूल्य नहीं है। आपके बारे में वो नहीं सोचता और आपके जीवन में मूल्यवान नामक कोई चीज नहीं। तब आप कई व्यापार का मजदूर बन जाते हैं, तो आप किसी का स्वामी नहीं रह जाते। टाइगर वुड के बारे में आप क्या सोचते हैं? गोल्फ। माइकल जॉर्डन के बारे में आप क्या सोचते हैं? बास्केटबॉल। बार्बर स्ट्रेसेंड के बारे में क्या सोचते हैं? अभिनेत्री। रोचक बात, जब आप बार्बर स्ट्रेसेंड के बारे में सोचते हैं तो दो बातें सोचते हैं, अभिनेत्री और दूसरी गायिका। जब लोग आपका नाम पुकारते हैं तो आपके बारे में क्या सोचते हैं? वो आपके बारे में नहीं सोचते क्योंकि आप बूढ़े हो चुके हैं। दूसरे शब्दों में, अपने आप में ऐसी योग्यता को निखारे कि लोग आपका नाम को जानने पाए, पहचानने पाए। दुनिया साधारण लोगों से भरा हुआ है।
आप इस सम्मेलन में तब आए जब आप साधारण थे, लेकिन आप अभी और साधारण नहीं रहे। अभी आप घर जाकर इस बात का निर्णय ले ले कि अभी मैं घर जाकर अगले 20 साल में आपकी ताक को काट डालूंगा और मुझ में ऐसे परिपक्वता को बनाऊंगा कि लोग मेरा तिरस्कार नहीं करेंगे। क्या आपने यीशु मसीह के शब्दों को गौर किया है? उसने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, यदि कोई भूखा है तो मेरे पास आए। उसने अपने आप को बहुमूल्य बनाया। उसने कहा, ये जीवन का जल मैं हूं, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए। उसने अपने आप को बहुमूल्य बनाया। भीड़ के भीड़ लोगों ने इस जीवन के जल को पहचाना और उसमें से पिया। आप कितने अधिक और ज्यादा से ज्यादा बहुमूल्य हैं, जरा सोचिए। इसलिए मेरे प्रिय दोस्तों, इस सवाल को जरा गौर फरमाइए और अपने आप को जांचिए। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करिए, शेयर करिए। प्रभु आपको बहुत आशीष के नाम से मैं आपके जीवन में आशीष और अभिषेक की घोषणा करता हूँ। आमेन। प्रभु आपको आशीष दे।